दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आए दिन सड़क दुर्घटना होने की खबर मिलती रहती है। कटिहार गेराबाड़ी सड़क पर तीनपनिया पुल के समीप अनियंत्रित कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और चार व्यक्ति घायल बताए जाते हैं। बताया जाता है कि पूर्णिया से बारात चली, छोटे भाई की शादी में बड़े भाई शरीक होने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकले, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर गेराबाड़ी कटिहार के बीच तीनपनिया पुल के समीप पलट गई, जिसमें बड़े भाई गुलशन की मौत हो गई और छोटे भाई की बारात आगे चली गई। चार लोग साथ में थे। कहा जाता है कि चारों गाड़ी में अचेता अवस्था में छोड़कर मित्र भाग गए और गुलशन की मौत हो गई। आनन फानन लोगों ने रात्रि में पुलिस को खबर दिया, पुलिस आती है और गुलशन के अचेता अवस्था में गुलशन को सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजती है, लेकिन पता चलता है कि उसकी मौत हो गई। परिजन को खबर दिया जाता है, परिजन आते हैं और परिजन कहते हैं कि गुलशन की शादी नहीं हुई थी और बारात के लिए निकला था, छोटे भाई की शादी थी कटिहार के तीन गछिया में, छोटे भाई की शादी होनी थी और बड़े भाई की मौत हो गई। यह दुर्घटना आए दिन घटित होती रहती है। कहा यह जा सकता है कि अच्छी सड़क होने के कारण लोग तेज गति से गाड़ी चलाते हैं और जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। दुर्घटना होने के पीछे लोगों को यह समझना होगा कि उत्साह पूर्वक किसी कार्य में अगर जा रहे हैं तो संतुलन बनाए रखना होगा। और यह बहुत ही दर्दनाक घटना कही जा सकती है कि छोटे भाई की शादी होनी है और बड़े भाई की मौत हो जाती है। और इस घटना के बाद पूर्णिया निवासी परिजन काफी दुखी हैं। पूर्णिया के रहने वाले थे, कटिहार बारात में आ रहे थे, तीनगछिया में छोटे भाई की शादी होनी थी, बड़े भाई की मौत हो जाती है। यह उस परिवार के लिए बड़ा ही दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है। लोगों को संयम रखना होगा, लोग संयम बरतते नहीं है जिसके कारण इस प्रकार की घटना होती है। तीनपनिया पुल के समीप इस तरह की घटना घटित हुई जो बड़ा ही दुखद है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।